वेलकम टू लोंगेवाला द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। और ये जो आप टैंक देख रहे हो, ये है पाकिस्तान का टैंक। वेलकम टू लोंगेवाला द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। और वहाँ पे है एक आर्मी का कैंप। सैम देख रहे हो, बराबर ही है यहाँ से। बाकी भाई ये रहा लोंगेवाला युद्ध स्थल। ऑलराइट, तो भाई मैं लोंगेवाला में आ गया हूँ और यहाँ पे एक है जीप। और ये जो आप टैंक देख रहे हो, ये है पाकिस्तान का टैंक। ये पता क्या होता है, जैसे जब झंडा उल्टा करके लगाते हैं, जो इनका कैप्चर कर लेते हैं ना, झंडा उल्टा करके लगाते हैं। हाँ, पाकिस्तान झंडा उल्टा करके है, मतलब ये हमने उनसे जीता है ये वाला। इसको यहाँ पे इन्होंने एज अ याद के तौर पे लगा रखा है। इंडिया के झंडे की सबसे बढ़िया बात है हमेशा एक जैसे दिखते। नहीं नहीं, मतलब सैफ इंडिया का भी कुछ जो टैंक है, हाँ। वो पाकिस्तान के पास ही, उन्होंने भी ऐसे कर रखा है। सैफर नीचे, सैफर नीचे। हाँ, एक और टैंक इस पर लिखा है कि डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान T-59 टैंक। और ये टैंक बिलोंग करता है 22 कैवेलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये मतलब जो 37 टैंक्स में से एक था जो इंडिया ने लोंगेवाला में डिस्ट्रॉय किया था। कभी मुझे भी लगा ये पंजाब रेजिमेंट है। ये सारे हैं। तो भाई बाकी ये था जहाँ पे हमें एक जो बॉर्डर मूवी थी उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। बाकी रिकॉर्डिंग कुछ अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करा भी। और बेटर ये कि अगर आपको आता है तो यहीं आके देखो वो मूवी। ऑलराइट भाई, आज जैसलमेर से मैं निकल गया हूँ एंड देन मेरा नेक्स्ट प्लान है उदयपुर जाने का।